मैं आज आपके लिए लाई हूँ 18 से 20 एमसीक्यू, जो आप बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है आरयूएचएस एग्ज़ाम के लिए, एंड अच्छे से पढ़ना। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले बाकी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना वो आपकी मर्जी है। क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन है, डाइबोरेन की संरचना के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है, मतलब इनमें से गलत कथन कौन सा है। ये आपको इन चारों ऑप्शन में से छांटना है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि डाइबोरेन की क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो डाइबोरेन एक डाइमर है, जो है B2S6 एक डाइमर है। अब इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा डाइबोरेन एक डाइमर है, कलरलेस गैस है, और इसमें जो बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बनाना बॉन्ड या सेतु बॉन्ड, जो ये है बनाना बॉन्ड, इसमें जिसमें बनाना बॉन्ड जो है तो समतल सतह पे नहीं होते, ऊपर नीचे होते हैं, बाकी ये चार बॉन्ड जो होते हैं समतल सतह पे होता है। इसमें संकरण जो होता है sp3 होता है, वो कैसे होता है वो निकाल के बता दूंगी। और B2S6 जो डाइमर है वो एक मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है, तो ये एक लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। अब ये तो था इसका एक्स्ट्रा नॉलेज, बाकी इस चार ऑप्शन पे जो चार ऑप्शन में तुम्हें कौन सा छांटना है वो चीज़ मैं बता रही हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि सभी सिरे वाली BH बंद की दूरियाँ समान है, तो जो लास्ट के जो ये BH बॉन्ड है इनकी जो दूरियाँ है, मतलब ये चारों की डिस्टेंस इक्वल होती है, तो ये पहला ऑप्शन इसका है करेक्ट। सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है कि सिरे वाले BH बंद 2C3E बॉन्ड है, तो सिरे वाले जो BH बॉन्ड है ना वो 2C तो है, 2C का मतलब क्या है कि डबल एटम से बने हुए, मतलब दो एटम है इसमें, लेकिन 2C तो सही है पर 3E मतलब तीन इलेक्ट्रॉन का सांझा नहीं है, यहाँ हमेशा दो बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन के सांझे से बनता है, तो ये बात गलत है। थर्ड ऑप्शन आता है सिरे वाले BH बंद में सी 2E इलेक्ट्रॉन, तो सिरे वाले में 2C मतलब एटम है और दो इलेक्ट्रॉन का सांझा है, तो ये बात सही है। फोर्थ ऑप्शन है कि BHB मतलब BHB 3C2E है, हाँ तो BHB जो बॉन्ड है ना वो 3C मतलब तीन एटम से और दो इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के सांझे से बना हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, क्योंकि इसने गलत का पूछा है, असत्य, ये बात ध्यान रखना, सत्य और असत्य में बहुत मिस्टेक होती है, तो ये असत्य का पूछा है इसने, तो असत्य में इसका ऑप्शन होगा सेकंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, डाइबोरोन में किस संकरित अवस्था में, मतलब जो मैंने अभी अभी आपको बताया था B2S6 में संकरण क्या है, तो मैंने बोला था कि संकरण बताऊंगी, तो ये देखो B2S6 में, तो अपन B2S6 ये होता है, अब इसमें अपन डाइमर में अपन संकरण डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इजी होता है कि डाइमर को तोड़ के सीधा निकाला जाए, तो BH3 में अपन संकरण निकालते हैं। तो बोरोन के जो आउटर जो कक्ष होता है, मतलब बाह्य जो कक्ष होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन प्लस वो जो बॉन्ड बनाता है वो कितने बनाता है, तीन। ये तो एक सिंपल ट्रिक होती है संकरण निकालने की, नॉर्मली ये यूज होती है, बाकी तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो यहाँ आ जाता है तीन, तो मतलब संकरण हुआ इसका sp2। इसका sp2 हुआ तो एक ट्रिक है कि कोई भी डाइमर को अपन तोड़ते हैं, तो जो कोई भी डाइमर को तोड़ते हैं जो इसका जो संकरण आ रहा है उसमें से एक बढ़ा देते हैं, तो यहाँ इसका BH3 का sp2 आ रहा है, तो इस जो डाइमर है उसका sp3 संकरण हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होएगा वो थर्ड होएगा कि इसमें संकरण है वो sp3 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन है sp3। निम्न में से किस यौगिक का अष्टक पूर्ण है, तो यहाँ देखना है कि कौन से का अष्टक पूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है BeCl2 डाइमर, सेकेंड ऑप्शन है BeS2 डाइमर, थर्ड ऑप्शन है BeS2 सॉलिड, और फोर्थ ऑप्शन है BeCl2 सॉलिड। तो इसका जो राइट
जो आंसर होगा होगा बी इज सी एल टू सोलिड। तो इनके जो अष्टक पूर्ण है इसके लिए सोलिड और ये डाइमर का ध्यान रखना, इसका फोर्थ ऑप्शन आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एस सी एल ओ एन श्रेणी के ऑक्सी अम्ल को समझते हैं। यहाँ एन का मान एक से चार ऑक्सी अम्ल के लिए असत्य कथन है, मतलब जो ऑक्सी अम्ल है वो इसमें जो एन दे रखा है, एन का मतलब है एक से चार तक की काउंटिंग, एक सेकेंड अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन स्टार्ट। एन का मान मतलब एक दो तीन चार काउंटिंग है, तो फर्स्ट ऑप्शन है एन का मान बढ़ाने पे ऑक्सी अम्ल का अम्लीय गुण बढ़ता है। सेकंड ऑप्शन है एन का मान घटने पर ऑक्सी अम्ल की ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। थर्ड ऑप्शन है एन का मान बढ़ने पर ऑक्सी अम्ल का तापीय स्थायित्व घटता है। और फोर्थ ऑप्शन है एन का मान घटने पर सी एल ओ बंद क्रम घटता है। इसका आंसर होगा थर्ड, कि एन का मान बढ़ने पे ऑक्सी अम्ल का तापीय स्थायित्व घटता है। ये असत्य कथन है, एन का मान बढ़ने पे ऑक्सी अम्ल का अम्लीय गुण बढ़ता है, ये बात सही है बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन भी सही है, फोर्थ ऑप्शन इसका गलत, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। अपन को इसमें असत्य पूछा है तो वापस ये असत्य का ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक होगी। जो सबसे ज़्यादा जो गलत क्वेश्चन होते हैं वो सत्य असत्य पे होते हैं, तो इनको ध्यान रखें अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न दिए गए में से कार्ब सिलिकॉन बहुलक है, मतलब इसमें कार्ब सिलिकॉन बहुलक जो है उसकी जो सिंगल यूनिट है वो कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिका, सेकेंड ऑप्शन है सिलिकॉन, थर्ड ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड और फोर्थ ऑप्शन है सिलिसिक अम्ल। तो इसका ये तो एक सीधा सा याद करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होएगा वो होएगा सेकंड आंसर सिलिकॉन, मतलब इस यूनिट से ये पॉलीमर बनता है। सेकंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से किसकी तीव्र अभिक्रिया होती है, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो तीव्र अभिक्रिया होती है, मतलब रिएक्शन फास्ट किसकी होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो जल्दी रिएक्शन या मतलब फास्ट रिएक्शन जो होती है ऑक्सीजन से ज़्यादा वो होती है वाइट फास्फोरस की। ये पीब्लॉक में थ्योरिटिकल क्वेश्चन सीधा सीधा मतलब लिखा हुआ है, इनमें कोई कुछ समझाना नहीं होता, सीधा क्वेश्चन याद करना होता है यहाँ। अब आगे का क्वेश्चन है, लाल तथा पीले फास्फोरस हैं, तो लाल और पीले फास्फोरस आपस में क्या है, अपर रूप है, समदाबी है, समावेवी है या समस्थानिक है। तो ये चीज़ भी एक याद करने वाली चीज़ है। तो लाल और पीले फास्फोरस जो आपस में है वो अपर रूप है, समावेवी नहीं है, समदाबी भी नहीं है, समस्थानिक भी नहीं है, ये अपर रूप है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्फोरस को किस में रखते हैं, मतलब फास्फोरस को अपन किस चीज़ में किस में रखेंगे कि वो मतलब ऐसे क्रियाशीलता ज़्यादा होती है तो खुले में नहीं रख सकते इसको, तो मिट्टी के तेल में रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन है एल्कोहल में, थर्ड है जल में और फोर्थ है अमोनिया में। तो अपन फास्फोरस को जल में रखते हैं ताकि वो उसकी एक्टिविटी ना हो। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस को किस में रखते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। अब आता है ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, उसका रीजन क्या है, क्यों करता है। तो वैसे तो अपन को पता है कि कोई भी चीज़ अगर विद्युत का चालन कर रही है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही मोस्टली करती है।
कि कोई उसमें फ्री लोग इलेक्ट्रॉन है तभी तो करेगी, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, युग्मित है, तो फिर वो तो कोई भी गुण दर्शाएगी नहीं। हो तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है पाई इलेक्ट्रॉनों की अधिक ध्रुवण प्रकृति। ध्रुवण प्रकृति नहीं हो बोल सकते, मतलब ध्रुवण का मतलब एक जगह घूमना या वो, ये ऑप्शन इसका गलत है। सेकंड ऑप्शन पाई इलेक्ट्रॉनों की, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड है पाई इलेक्ट्रॉनों की अधिक विस्थानीकृत प्रकृति के कारण, विस्थानीकृत प्रकृति। थर्ड ऑप्शन है पाई इलेक्ट्रॉनों के अत्यधिक स्थानीकृत प्रकृति के कारण। तो मतलब विस्थानीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है एक से दूसरी जगह, इसीलिए उसकी चालकता बढ़ रही है ना, इसीलिए वो विद्युत का। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो तो एक है कि एक जगह रह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह रह रहा है तो कोई भी मतलब चालन होगा ही नहीं उसमें। तो इसका ऑप्शन होएगा सेकेंड आंसर इसका सही होगा कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है वो अधिक मूवमेंट करते हैं, उस वजह से वो विद्युत का चालन करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलन रासायनिक रूप से है, एलन रासायनिक रूप से क्या है? ये क्वेश्चन सीधा सा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखना है। एलन का रासायनिक मतलब रूप से है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है AlS3, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है AlS3 का मतलब N क्या है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है AlH4, और फोर्थ है कि नन मतलब कुछ भी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। रासायनिक रूप से एलन का ये फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट याद करना है, सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, बोरेक्स मन का परीक्षण निम्न यौगिकों के बनने पर आधारित है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि पी ब्लॉक में जितने भी परीक्षण हैं तो उन परीक्षण को स्पेशली देख ले, क्योंकि कोई भी जो टेस्ट है ना वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये टेस्ट में क्या बना या क्या दिया, किसका टेस्ट है। तो ये चीज़ है कि इसको एक अलग से मतलब तुम सारे टेस्ट जहाँ भी आ रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री में ये है कि जितने भी टेस्ट आते हैं कहीं ना कहीं एक परीक्षण जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लाया है, बोरेक्स मन का परीक्षण निम्न यौगिक के बनने पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है बोरोन ऑक्साइड, सेकंड है बोरिक अम्ल, थर्ड है मेटाबोरेट और फोर्थ है बोरोन तत्व। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा मेटाबोरेट्स, हाँ निम्न यौगिक के बनने पर आधार मेटाबोरेट्स के आधार पर आधारित है। फिर अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, सॉरी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यूं लगता है कि बहुत इजी है, बट ये क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट करा है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है या जिम्मेदार है, जो भी है? तो इसमें SO2, CO या SO3 या CO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CO2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P2O5 का निम्न रूप में उपयोग बहुत लोकप्रिय है, मतलब P2O5 का मेन यूज किस चीज में लेते हैं? P2O5 का उपयोग अपन किस चीज में लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है इसका निर्जलीकारक के रूप में, सेकंड आता है उत्प्रेरक के रूप में, थर्ड ऑप्शन है अपचायक की तरह, फोर्थ ऑप्शन है परिरक्षक के रूप में। तो जो P2O5 है वो मेनली जो यूज होता है वो निर्जलीकारक के रूप में यूज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसको गर्म करने पर क्लोरीन मुक्त होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है KMnO4 प्लस NaCl, सेकेंड है K2Cr2O7 प्लस MnO2, थर्ड है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस MnO2, फोर्थ ऑप्शन है K2Cr2O7 प्लस CuCl। तो किसको गर्म करने पे क्लोरीन मुक्त होगी? तो इसका आंसर होएगा फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयोडीन को विरंजीकृत नहीं करता, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा मतलब कंपाउंड है जो आयोडीन को कलरलेस नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन है Na2SO3, सेकंड ऑप्शन है Na2S2O3, थर्ड ऑप्शन है NaCl और फोर्थ है NOH। तो जो आयोडीन को कलरलेस नहीं करता है वो यौगिक है NaCl, ये इसका कलर नहीं उड़ाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा हेलोजन जल से संयोग कर ऑक्सीजन देता है, इनमें से कौन सा हेलोजन है जो जल के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन देता है, मतलब O2 मुक्त करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है I2, सेकंड ऑप्शन है Cl2, थर्ड ऑप्शन है Br2 और फोर्थ ऑप्शन है F2। तो इनके साथ जो ऑक्सीजन नहीं देगा वो है F2, मतलब F2 ऐसा हेलोजन है जो जल के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन देता है, मतलब ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्र H2SO4 द्वारा निम्न गैस को शुष्क किया जाता है, तो ये एक वैसे रिएक्शन है, सांद्र H2SO4 द्वारा निम्न गैस को शुष्क किया जाता है, मतलब जो सांद्र H2SO4 है वो उसमें से हाइड्रोजन के अणु मतलब जल के अणु को निकाल लेगा, शुष्क करेगा। तो किस गैस को शुष्क किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है HCl को, HBr को, HI को और H2S को। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होएगा फर्स्ट HCl को, कि सांद्र H2SO4 का यूज करके HCl को शुष्क बनाया जाता है। एक क्वेश्चन बच गया था ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय परमाणु के संदर्भ में निम्न यौगिकों की ज्यामिति क्रमशः है, तो ये तीन यौगिक दिए हुए हैं, मतलब तीन कंपाउंड है, इनमें से अपन को संकरण इनकी जो ज्यामिति देखनी है ये देखनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि पहले की समतलीय पिरामिडीय समतलीय, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत है। सेकंड ऑप्शन है समतलीय पिरामिडीय पिरामिडीय, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन।